गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 30 क्लास में देखेंगे अरब इजराइल संघर्ष के कुछ आधारभूत बातें, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके बड़ा प्रश्न भी पूछ लेते हैं और इसमें कई छोटे छोटे प्रश्न भी जो दो दो नंबर के प्रश्न बनते हैं आपके, वो भी आपसे पूछ लेते हैं। तो हम अभी बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं और हमें किस प्रकार की उनकी एक रूपरेखा तैयार करनी है, ठीक है ना। तो इसमें एक तो बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अरब इजराइल संघर्ष की विवेचना कीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न आ जाता है। तो इसमें तो हम अलग अलग चीजें लेंगे, लगभग सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करते हुए इसका विश्लेषण करेंगे। छोटे प्रश्नों में जो आते हैं वो फिर आपसे ये जितने भी जो समझौते हैं अरब इजराइल संकट के दौरान जो समझौते हुए हैं, प्रमुख जो घोषणाएं हुई है वो आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है ना। जैसे कोई मान लीजिए बलफोर घोषणा है 1917 में जो हुई, उसको लेकर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बलफोर घोषणा क्या थी, ठीक है। तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि भाई बलफोर घोषणा के तहत ही जो वहाँ के ब्रिटेन के जो सचिव थे उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया था और उन्होंने वादा किया था कि वो फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए यहूदी राष्ट्रीय घर बसाएंगे। तो ये बलफोर घोषणा यहीं से एक तरीके से शुरुआत होती है। तब सारे जो विश्व के जितने भी यहूदी थे उनकी सबकी नज़र किधर हो गई, फिलिस्तीन की तरफ हो गई। इस घोषणा के बाद में वो आश्वस्त हो गए कि अब उनको अपना जो मूल घर है वह है मिल गया है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी समस्या वहीं से शुरू होती है, जो यहूदी समाज के जो लोग थे पूरे विश्व में फैले हुए, तो वो चूंकि व्यापारिक प्रवृत्ति के होने के कारण जगह जगह फैल गए, यूरोप के कई देशों में फैल गए। लेकिन उनका अपना कोई इस तरह का नहीं था कि जहां वो ओरिजिन अपनी कोई उनका जहां वो सारे जाके रह सके, जहां से मौलिक रूप से वो बता सके भाई हमारा वो घर है। तो उन्होंने इस चीज को लेकर जहां से उनकी उत्पत्ति अपनी को लेकर चलते हैं वो, कि भाई यरूशलम जो प्रदेश है जो अरब कंट्रीज में है वहां से वो मानते हैं कि भाई हमारी वहां से उत्पत्ति है। तो उन्होंने धीरे धीरे वहां जाना शुरू किया। और ब्रिटेन जब युद्ध उस समय जो 1917 में उन्होंने घोषणा की, तो उस घोषणा के तहत उन्होंने एक वादा उनसे किया बलफोर घोषणा के तहत कि भाई वो उनको वहां बसाएंगे। और फिर धीरे धीरे यहूदियों का जो एक मूवमेंट है वो धीरे धीरे उधर जाना शुरू हो गया फिलिस्तीन में, और आगे चल के जो हम देखेंगे अरब इजराइल संकट है वो किस प्रकार इस घोषणा के बाद में आगे चल के काफी 1948 तक आते आते किस रूप में वो आ जाता है, और 1948 से लेके 2020 तक हम देखेंगे वो किस तरीके से आज भी वो चीजें वहां लगातार चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए लगभग जो 100 साल ये समस्याएं 100 साल पुरानी समस्याएं वहां से शुरुआत इनकी होती है, और उसके बाद में किस तरीके से ये अपने वास्तविक रूप में आ जाती है 1948 में, वो हम देखेंगे पूरे से संघर्ष में, ठीक है। तो ऐसी एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे ऐसी घोषणाएं जो है वो इसके अंदर आएंगी। ऐसे ही जो समझौते हैं, मान लीजिए ओस्लो समझौता इससे जुड़ा हुआ है, कैंप डेविड जो समझौता है वो इससे जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से कई संगठन जो इसके तहत बने हैं वो संगठन हम देखेंगे। मुख्य रूप से तीन संगठन आप इसमें देखेंगे। एक जो पीएलओ है, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा, जिसका गठन हुआ था 1964 में, ठीक है ना, अहमद सकीरी ने किया था, और उसके बाद में यासर अराफात जो पीएलओ के नेता थे उन्होंने उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया। तो पीएलओ आपको इसमें देखना होगा, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि एक राजनीतिक गुट जो पैदा हुआ फतेह के नाम से, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये उसके बाद में जो हमास ग्रुप है ये, तो ये वो हैं जो अरब इजराइल संकट के दौरान उत्पन्न हुए संगठन हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे भी। और ये इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आप जब पढ़ें, पीएलओ है, फतेह है, हमास, कैंप डेविड समझौता, ठीक है, मिस्र और इजराइल के बीच में होता है कैंप डेविड समझौता, जब उन्होंने ये तय किया कि भाई जो
इसराइल से उन्होंने समझौता किया कि भाई ठीक है, हम आगे से आपसे किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, हम अरब राष्ट्रों के साथ अब नहीं आएंगे। और उसके बाद में जो उनका जो गाजा पट्टी से जो था वो कि भी हमें हमारा वापस क्षेत्र दे दिया जाए। तो इसको लेकर जो समझौता होता है, तो कैंप डेविड समझौता हम देखेंगे। इसी तरीके से आगे चल के हम देखते हैं कि उनके बीच में ओस्लो समझौता होता है। तो ओस्लो समझौता हम देखेंगे जो यासर अराफात और प्रधानमंत्री इसराइल के जो प्रधानमंत्री उनके बीच में होता है, तो वो हम देखेंगे 93 का ओस्लो समझौता। ठीक है, तो ये आपको देखना है ओस्लो समझौता। उसके अलावा जो इसमें प्रश्न आता है आपके दो नंबर का, वो आता है जो मैड्रिड शांति वार्ता, एक वो भी देखना आप। ठीक है ना, मैड्रिड शांति वार्ता हुई, उसको भी आपको देखना है। तो चूंकि ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि हम मुख्य रूप से इन चीजों पे फोकस करेंगे, तो अरब इजराइल जो संकट है उनमें, क्योंकि छोटे प्रश्न आने की संभावनाएं भी काफी बनी रहती है, तो इस बार चूंकि क्लासेस कम हुई है तो अब हम थोड़ा इसको जल्दी इसको करवाने की कोशिश करेंगे। जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीजों को भी अपन थोड़ा ज्यादा देखेंगे। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो पिछले सालों में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, अरब इजराइल संकट से रिलेटेड ये प्रश्न है। पीएमओ है, मैड्रिड शांति वार्ता है, कैंप डेविड है, ओस्लो है, वेलफोर घोषणा जो है, तो ये सारे अपन इनमें देखेंगे। ठीक है ना, तो अरब इजराइल संकट की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है वो होती है जब यहूदी समाज शुरुआत में 1820 में एक जो जायोनिस्ट मूवमेंट जब चला था, ठीक है ना, जायोनिस्ट जिसको हम कहते हैं, तो इस जायोनिस्ट मूवमेंट के चलने के साथ ही इन लोगों ने किधर आना शुरू कर दिया, फिलिस्तीन में। ठीक है ना, तो फिलिस्तीन में जब इन्होंने आना शुरू किया, उस समय प्रारंभ में इन्होंने यद्यपि ध्यान नहीं दिया, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, भूमध्य सागर के जो पास जगह है, ठीक है ना, ये आप यहां देखिए, ये इस तरीके से इधर भूमध्य सागर आ गया, और ये जो अरब कंट्रीज हैं सारी, इन्हीं कंट्रीज के पास, यहां इसके पास पास जो था एक, ये था फिलिस्तीन। ठीक है, इसके इधर अपन देखेंगे फिलिस्तीन के जो साइड में है, फिर ऊपर की तरफ लेबनान, इधर सीरिया, इधर जॉर्डन, ये सारे अलग अलग जो है, तो लगभग ये 22 जो अरेबिक कंट्रीज जो है उनके एक देश वहां जो फिलिस्तीन था। उस समय फिलिस्तीन में जो जब धीरे धीरे यहूदी आए, और उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जिस समय हो रहा था, तो उस समय वहां पर ओटोमन एम्पायर का शासन था, ओटोमन जो किंग थे उनका साम्राज्य वहां पर चल रहा था। तो ओटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन ने उस समय दो वादे किए। एक वादा किया किसके साथ है? मैंने भी आपसे पूर्व बात की थी, 1917 में उन्होंने बात किया फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, वो बात हुई यहूदी समाज से। उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको फिलिस्तीन में राष्ट्रीय घर की स्थापना करने में आपकी मदद करेंगे, आपका राष्ट्रीय घर है वो फिलिस्तीन है यहूदियों के लिए। तो वो बिल्कुल आश्वस्त हो गए और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनकी हेल्प की। और इधर आप देखिए कि जो फिलिस्तीन में वहां के जो शरीफ थे उनसे भी उन्होंने वादा किया कि आप ओटोमन साम्राज्य के विरुद्ध हमारी हेल्प करिए, हम आपको स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे, आपको जो भी आपके अधिकार क्षेत्र है वो सारे के सारे प्रदान कर देंगे। ठीक है, तो उस दौरान आप देखिए कि ये दो चीजें ऐसी हुई। उसके बाद में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और तो समाप्त जब हो गया पहला विश्व युद्ध और ये मित्र राष्ट्रों की जब विजय हुई, उसके बाद में ये समस्या थोड़ी गंभीर होने लगी। गंभीर इसलिए होने लगी कि वेलफोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को उन्होंने वादा कर लिया था कि आपको फिलिस्तीन में, जो कि आपका मूल है वहां आपका, हम राष्ट्रीय जो यहूदी राष्ट्रीय घर, ठीक है ना, नेशनल होम का निर्माण का जो समर्थन उन्होंने किया था वेलफोर ने, उसका उन्होंने निभाना जो था एक तरीके से वहां से शुरुआत हो गई। अब उसके बाद में
1918 में ये जो जीतने के बाद में फिलिस्तीन में जो ब्रिटिश मैंडेट स्थापित हो गया, ब्रिटिश मैंडेट वहां चला गया, वहां उनका शासन हो गया फिलिस्तीन वहीं से। और आगे चल के ये समस्या थोड़ी बढ़ी इनके बीच में, और इस समस्या जब बढ़ी तो इन्होंने क्या किया कि 1947 में आते आते जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही आपको ध्यान में कि एक नई संस्था उदय हुई पूरे विश्व में शांति के लिए, यूएनओ। तो इन फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच में अब एक झगड़ा था, वो लगातार बढ़ने लगा था। उस झगड़े को बढ़ते हुए देखकर, क्योंकि ब्रिटेन वहां से छोड़ के जाने में था, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में, तो जाते जाते उसने ये समस्या किसको पकड़ा दी, यूएनओ को, कि भाई इनके लिए आप कोई समस्या का समाधान करिए। तो चूंकि समस्या सामने थी तो एक कमीशन इसके लिए बैठाया गया, और उस कमीशन ने इनको क्या किया कि इस फिलिस्तीन का जो ये प्रदेश था, इस फिलिस्तीन प्रदेश को 3 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट उन्होंने बांट दिया यरूशलम, और 2 जो ये गाजा पट्टी का और इधर ये वेस्ट बैंक का, ये दे दिया फिलिस्तीन, और बाकी का जो प्रदेश था सारा का सारा ये उन्होंने दे दिया यहूदियों को, ठीक है। लेकिन यहां समस्या देखिए क्या होती है कि एक तो उस समय तक यहूदी भी लगभग 30% फिलिस्तीन में आ चुके थे, ठीक है। अब उस समय फिलिस्तीन की स्थिति ये थी, जो फिलिस्तीन था उस समय 30% वहां के ओरिजिनल जो फिलिस्तीनी थे, जो वहां के फिलिस्तीनी मुस्लिम्स थे, वो वहां पर 30% तो यहूदी आ गए, और उसके बाद में जो बाकी आबादी कितनी, जो 70% आबादी है, तो 70% तो रही मुस्लिम आबादी और 30% हुई यहूदी आबादी। तो ये उस समय तक थी जब यूएनओ इनके बीच में आया। उन्होंने क्या किया इस समस्या का समाधान करने के लिए, जो यहूदी वर्ग और वहां के जो लोकल जो मुस्लिम्स फिलिस्तीन के जो लड़ रहे थे, वो इनको, ये लोग इनको निकालना चाह रहे थे यहूदियों को, और यहूदी चूंकि इस बात पे उनको था कि भाई हमारा तो यही, चूंकि नेशनल होम का वादा ब्रिटेन कर चुका था, और इनको ये था कि भाई हमारा ओरिजिनल प्रदेश ये, तो हम यही रहेंगे। तो अब ये समस्या बढ़ी, और जब यूएनओ इसके बीच में आया तो उन्होंने इसका समाधान क्या किया कि उन्होंने फिलिस्तीन को ही 3 भागों में बांट दिया। फिलिस्तीन का एक हिस्सा उन्होंने दे दिया यहूदियों को, एक हिस्सा उन्होंने कहा कि वहां के जो मूल जो मुस्लिम थे जो वहां पूर्व निवास कर रहे थे उनको दे दिया, और एक हिस्सा उन्होंने दोनों के लिए, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सबके लिए, इस तरीके से रख दिया यरूशलम, जो कि सबके लिए एक पवित्र या होली सिटी थी। तो एक पवित्र नगर जो यरूशलम था उसको उन्होंने एक, जैसे संघ होता है उस तरीके से, एक अलग सबके लिए वहां कर दिया इंटरनेशनल टेरिटरी के अधीन, कि इसमें सब लोग आ सकते हैं, इसमें यहूदी भी जा सकते हैं, मुस्लिम्स भी जा सकते हैं, जो पैलेस्टाइन के जो ओरिजिनल जो मुस्लिम्स थे वो भी जा सकते हैं। लेकिन ये बंटवारा भी आप देखिए बड़े गलत तरीके से उन्होंने यहां किया। यहूदी जो कि उस समय 30% जनसंख्या थी, इनको तो उन्होंने दी 55% जमीन, और ये जो लोग थे ओरिजिनल जो फिलिस्तीन के, जिनकी जनसंख्या उस समय थी 70%, उनको उन्होंने दिया 45% जमीन कुछ, ठीक है ना, और बाकी यरूशलम जो था ही, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पार्ट यरूशलम में रह गया। एक तरीके से आप मोटा मोटी आप देखिए कि भाई इतनी इतनी जमीन उन्होंने इन दोनों को प्रदान कर दी, यरूशलम सहित है ये, तो यरूशलम तो अलग निकाल दे, वो दोनों का अधिकार रहेगा। तो इस तरीके से अपन अलग अपन बात करें तो 55% इसके हिस्से में आ गई, 45% इनके हिस्से में आ गई। इस समझौते को, ये जो समझौता उनके मध्य करवाया गया, इस समझौते को फिलिस्तीन ने सिरे से खारिज कर दिया, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें ये बंटवारा स्वीकार नहीं है, फिलिस्तीन पूरा हमारा है और फिलिस्तीन में हम ही रहेंगे, क्लियर है चीज। तो इस चीज को लेकर वहां पे फिर झगड़े शुरू हुए, काफी मार काट हुई, और इस बीच में 1948 में ब्रिटेन वहां से छोड़ के, सारी समस्याएं वहां से, ये जो भारी मार काट चल रही थी इसके बीच में उसने छोड़ दिया। और इसमें एक नई समस्या ये आई
कि जब ये मारकाट मची उस दौरान बहुत से जो वहां के ओरिजिनल जो फिलिस्तीनी थे वो लोग शरणार्थियों के रूप में कहां चले गए, जॉर्डन में चले गए, मिस्र में चले गए और वहां उन्होंने शरण ली और इसी बीच में एक नया राष्ट्र स्थापित हो गया जो यहूदियों का था 1948 में और ये बन गया इजराइल। ठीक है, तो एक नया राष्ट्र उस समय अस्तित्व में आ गया इजराइल के रूप में। ठीक है, तो पहले जो फिलिस्तीन था अब क्या बन गया, दो देश बन गए, फिलिस्तीन और इजराइल। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आप, अब अरब इजराइल संकट कब बन जाता है, ये अब इस फिलिस्तीन में जो थे, जो मूल जो वहां के फिलिस्तीनी ओरिजिनल जो मुस्लिम जो थे वहां के निवासी, उनकी हेल्प के लिए अब अन्य अरब कंट्री आ गई। किसके विरुद्ध? इजराइल के विरुद्ध। अब उन्होंने फिलिस्तीन की हेल्प करने के लिए, अब यहां से शुरू हो जाता है अरब इजराइल विवाद। अभी तक तो चल रहा था फिलिस्तीन इजराइल विवाद, पहले था वहां के लोकल फिलिस्तीनी वर्सेज यहूदी विवाद। तो ये इस तरीके से इसका रूप बदलता गया, तीन फेज में आ गया ना, पहले यहूदी और इनके बीच में था, फिर जब इजराइल बन गया तो इजराइल फिलिस्तीन, और जैसे इजराइल बना, इजराइल बनने के बाद में इसमें जैसे अन्य अरब कंट्रीज फिलिस्तीन की हेल्प करने के लिए आई, अन्य जो मुस्लिम कंट्रीज थी अरब की, वो सारी की सारी उसकी हेल्प करने के लिए आई कि भी उनके साथ काफी गलत हुआ है, अब ये युद्ध कन्वर्ट हो गया अरब इजराइल विवाद में। और अरब इजराइल विवाद हुआ जिनमें 1949 से अब इनके बीच में छोटी मोटी झड़तें लगातार चलती रही, जिसमें ये काफी कई प्रदेश फिर इन्होंने और खो दिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, उसका जो कारण बड़ा था कि यहां ये राष्ट्र थे तो इजराइल के साथ में यूके और यूएसए जैसी बड़ी महाशक्तियां लगी हुई थी। ठीक है ना, तो इनके चलते ये राष्ट्र हैं वो काफी इनका सामना नहीं कर पा रहे थे। और हर युद्ध में आप देखिए कि चाहे वो 1967 का युद्ध हो, चाहे उससे पहले जो 1949 से लेकर 67 तक के चले, इन युद्धों में और जमीनें वो लोग खोते रहे, और जमीनें इजराइल के पास जाती रही, तो इजराइल का तो विस्तार होता गया और जो फिलिस्तीन के लोग थे उनको अपनी जमीन छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में भागना पड़ रहा था। कोई गाजा पट्टी से निकल गए, कोई लेबनान की तरफ चले गए, कोई जॉर्डन की तरफ चले गए, कोई सीरिया की तरफ चले गए, कोई मिस्र की तरफ चले गए, और एक नई समस्या उत्पन्न हो गई इन सबके शरणार्थियों की समस्या। ये लोग इनको वापस इन देशों में बसाना चाहते थे तो बार बार इनकी हेल्प कर रहे थे। और एक इसी बीच में 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का गठन हो जाता है। ठीक है ना, तो अहमद सकीरी जो उस समय थे उसके नेता, और बाद में इसके जो मुख्य रूप से पीएलओ का जो पीएलओ के बड़े नेता जो बने वो थे यासर अराफात, जो आगे चल के कई समझौते जो आगे करते हैं। तो ये अब यहां से पीएलओ का गठन हो गया। जब फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा बन गया तो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा ने फिर फिलिस्तीन को मुक्त कराने के लिए इजराइल के साथ सीधी अपनी टक्कर शुरू कर दी। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि इस सारे युद्ध में भी मैक्सिमम नुकसान था वो फिलिस्तीन का होता गया और पड़ोसी अरब कंट्रीज का होता गया। और 1967 का जो उन्होंने सब राष्ट्रों ने मिलकर जो एक इजराइल के ऊपर आक्रमण किया, तो उसका प्रभाव यह हुआ कि उस आक्रमण को न केवल विफल किया बल्कि उस आक्रमण में भाग लेने वाले जो जैसे बेसिनाई इजराइल से उन्होंने इजराइल ने छीन लिया, गाजा पट्टी मिस्र से उन्होंने छीन ली, सीरिया से जो गोलन पहाड़ियां थी वो उन्होंने इजराइल ने कब्जा कर लिया, और वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम जॉर्डन से उन्होंने छीन लिया, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी जो स्थापना थी ना उसकी 1948 से लेकर 1967 तक देखें, तो आप ये कह सकते हैं कि फिलिस्तीन जब बना था उस क्षेत्रफल से लगभग 3 गुना उसने अपना विस्तार इन युद्धों में और कर लिया। ये युद्ध होते गए और हर युद्ध में राष्ट्र कुछ ना कुछ खोते गए जो दूसरे वाले, और इजराइल को कुछ ना कुछ मिलता रहा। तो धीरे धीरे समस्या यहां आती है कि ये अरब इजराइल युद्ध लगातार चलता जा रहा है, और इस अरब इजराइल युद्ध में अब एक बड़ी समस्या जो है वर्तमान में, वो समस्या है इन शरणार्थियों की समस्या, फिलिस्तीन के शरणार्थियों की समस्या। ये फिलिस्तीन के शरणार्थी जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रह रहे थे, ये लगातार शरणार्थियों के रूप में इन्हीं को लेकर कई प्रकार के समझौते होते हैं,
कई प्रकार की झगड़े आगे चलते हैं। 1973 में आप देखिए उसमें योम किपुर की जो लड़ाई है वो होती है सीरिया और इजिप्ट के खिलाफ, वो ये चलता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अरब इजराइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें नेक्स्ट वीडियो में।